इस कहानी में हमने अब तक देखा कि आयुष के हाथ में टॉवल था जिससे वो वन गीले बाल साफ कर रहा था और उसने इस वक्त एक बाथरूम पहना था जो कि शायद अनाया का था क्योंकि वो अभी अनाया के रूम में था। उसके कपड़े तो अयान के रूम में थे और खुद के ऊपर लगा हुआ डार्क कलर हटाने के चक्कर में वो पूरा बहाया हुआ था। उसके कपड़े ही वहां पर नहीं थे, उस बात का अंदाजा उसको बाद में हो गया था, इसलिए वो वहीं पर रखा अनाया का बाथरूम पहनकर बाहर आ गया था जो कि वाइट कलर का था। आयुष इस वक्त बेहद ही हैंडसम और क्यूट लग रहा था। एक हाथ में टॉवल पकड़कर अपने बाल साफ कर रहा था अनाया का ध्यान जब बाथरूम के डोर के खुलने की आवाज से उस तरफ जाता है और वो जब आयुष को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। अब अनाया अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आयुष को देख रही थी। आयुष जब अपनी बहन को खुद को इसे देखते देखता है तो उसको पहले तो कुछ अजीब लगा, वो फिर से एक बार अपने आप को देखता है और फिर अपनी बहन की तरफ देखता है। वो अपनी बहन यानी कि एंजल की तरफ जाकर कहता है, एंजल क्या हो गया, आप इसे क्या देख रहे हो। आयुष की आवाज से अनाया अपने होश में आती है। उसे पता चलता है कि वो कैसे अपने ही भाई की खूबसूरती में खो गई थी। वो खुद को ही मन डांट रही थी। वो आयुष की तरफ देखकर बात बदलने के अंदाज में उससे कहती है, तुमने मेरा बाथ रॉब क्यों पहना है, जाओ पहले तुम अपने कपड़े पहन कर आओ। अनाया की बात सुनकर आयुष उसकी तरफ अपनी मासूम चेहरे के साथ देखते हुए कहता है, एंजल वो मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि मैं सच में आपका ही भाई हूँ। वो डीएनए रिपोर्ट बिल्कुल सही है, इसी चक्कर में मैं पूरी तरह से गीला हो गया था। गीले कपड़ों के साथ तो बाहर नहीं आ सकता था, इसलिए मुझे वहां पर एयरबाथ रूम दिखा तो मैं उसे पहन कर आया। इतना कहकर वो अपनी आंखों में दुनिया जहान की मासूमियत लिए अपनी एंजल बहन को देख रहा था। अनाया को आयुष को ऐसे देखकर उसके ऊपर बेहद प्यार आ रहा था। वो अपने से 5 मिनट छोटे भाई आयुष को कहती है, पागल मैं जानती हूँ तुम मेरे ही भाई हो और मैंने जब तुमको पहले देखा तब समझ गई थी कि तुम्हारा असली रूप वो नहीं है बल्कि तुम तो उस डार्क कलर के पीछे अपने असली चेहरा और कलर छुपा के रखे हुए थे। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी वैदोबा। इतना कहकर अनाया खिल खिलकर हंसने लगी थी। वही अपनी बहन को यूं दिल से खिल खिलाकर हंसते देख आयुष के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ जाती है। वही वो दोनों अपने में ही मस्त थे, उनका ध्यान ही रूम के डोर पर नहीं गया जिसके पास अयान खड़ा होकर उन दोनों को ही गुर्जर देख रहा था। उसको पहले तो आयुष को ऐसे बात रूप में अपनी जान के सामने आता देखकर उसको आयुष पर बेहद गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्सा तब और ही ज्यादा बढ़ गया था जब उसने अनाया को उसको निहारते देखा। वो आगे जाके आयुष को पीटने जी वाला था कि उनकी आगे की बातें सुनकर वो अपनी जगह पर ही रुक गया। अयान को आयुष से बेहद जलन हो रही थी। उसे इस बारे में भी पता चल गया था कि अयान और अनाया सगे भाई बहन है, जिससे उसके जल रहे दिल को थोड़ी सी ठंडक मिल गई थी। जब उसको पता चला कि आयुष अयाना का भाई है तो तब कहीं जाकर उसका ध्यान आयुष के चेहरे पर गया। उसका असली कलर और उसके चेहरे के फीचर्स काफी हद तक अयाना और हर्षवर्धन मित्तल से मिलते जुलते दिखे। आयुष ज्यादातर अपने डैड की तरह ही दिख रहा था। वही अनाया को खिल खिलाकर हंसते हुए देख अयान उसकी हंसी नहीं ही को गया था। वो अयाना को अपने आंखों में ढेर सारा प्यार लिए देख रहा था। उसको खुद ही पता नहीं चला उसके कदम कब अनाया की तरफ बढ़ गए। अयान अनाया के चेहरे पर आ रहे बाल को उसको परेशान कर रहे थे, उनको उसके कान के पीछे कर उसको कहता है, ऐसे ही हमेशा मुस्कराते रहना, बेहद प्यारी लगती हूँ। अयान के अनाया के बाल उसके कान से पीछे करने से अनाया का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और उसकी आवाज से आयुष का ध्यान भी अयान की तरफ चला जाता है। अयान की बात से अयाना शर्मा जाती है, उसके गाल हल्के हल्के गुलाबी हो जाते हैं जिसे देखकर आयुष सब समझ जाता है। वो जब उस दोनों को खुद को इग्नोर करता हुआ देखता है तो वो अपना गला साफ करता है और अयान से कहता है, दोस्त माना कि हम अभी अभी दोस्त बने हैं, वो भी पक्के वाले पर, तुम मेरे ही सामने खुले आम मेरी बहन से ऐसे
बातें नहीं कर सकते। वैसे भी मुझे पता है तुम एंजल को पसंद करते हो। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए अयान उसकी तरफ देखकर कहता है, पसंद नहीं, प्यार करता हूँ मैं अयाना से। वो भी ऐसा वैसा प्यार नहीं बल्कि बेहद वाला प्यार, जिस प्यार की कोई सीमा नहीं है। अयान की बात सुनकर अयाना का दिल खुशी से झूम उठता है। उसे अयान का खुले आम अपने भाई के सामने कन्फेशन सुनकर बेहद अच्छा लगता है। वो अपनी प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ ही देख रही थी। वही आयुष जब अयान की बात सुनता है तो उसको खुशी होती है कि अयान उसकी बहन से इतना प्यार करता है। वो अपनी बहन के लिए बेहद खुश था। उसे दुनिया में ढूंढकर भी अयान जैसा हमसफर अपनी बहन के लिए नहीं मिलता। आयुष खुशी से अयान के गले लग जाता है और कहता है, दोस्त तुम सच में मेरी एंजल बहन से इतना सारा प्यार करते हो और हमेशा प्यार करते रहोगे ना। अगर तुम्हारी वजह से मेरी एंजल के आंखों में आंसू आए ना तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। आयुष ये सब बोलते हुए बेहद प्यारा लग रहा था। उसे देखकर अयान और अयाना दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अयान आयुष से कहता है, आयुष तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अयाना के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा और नहीं कभी उसके आंखें में मैं आंसू आने दूंगा। अयान की बात सुनकर अयान के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ जाती है। वो अपनी एंजल बहन की तरफ देखकर कहता है, एंजल आपको अयान पसंद तो है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, और आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। अपने प्यारे हैंडसम छोटे भाई की बात सुनकर अनाया के चेहरे पर प्यारी मुस्कान आ जाती है। वो अयान के गालों पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, मेरा छोटा भाई इतनी जल्दी बड़ा हो गया जो इसे बड़ों जैसी बातें कर रहा है। अयाना की बात सुनकर आयुष उसका हाथ जानकी उसके गालों पर था। वो अपने हाथ में लेके मुंह बनाकर उससे कहता है, एंजल मैं बस आपसे 5 मिनट हो छोटा हूँ और आप सिर्फ मुझे से 5 मिनट ही बड़ी हो, समझी। उसकी बात पर अयाना और अयान दोनों के चेहरे पर प्यारी मुस्कान आ जाती है। अयान आयुष की तरफ देखकर कहता है, चलो आयुष पहले तुम अपने कपड़े पहन लो, उसके बाद तुमको अपनी फैमिली से भी मिलना है। वैसे पहले तो तुम मिले हो पर अब तुम इस फैमिली का और इस घर के पोते होने के नाते उनसे मिलने वाले हो। अयाना को भी उसकी बात सही लगती है। वो आयुष से कहती है, हाँ आयुष, आयु सही कह रहा है, अब तुमको सबसे अपनी असली पहचान के साथ मिलना है और उनको भी तुम्हारे बारे में बताना है, और खासकर डैड को। उनको कल तुमको देखते ही तुमसे अपनेपन का एहसास हो गया था, वो गौर से तुमको ही देख रहे थे। आयुष भी अपना सर हमें हिलाकर वहां से अयान के साथ उसके रूम में चेंज करने चला जाता है। उसके वहां से जाते ही अयाना बटलर को बुलाकर उसके पास वाला रूम की सफाई करने को कहती है, जो कि अब से आयुष का पर्सनल रूम होने वाला था। और अयाना ने उसके लिए उसकी पूरी वार्डरोब भी महंगे कपड़ों से भरने कह दिया था। उसके बाद अनाया वहां से सीधा अपने सीक्रेट रूम में चली जाती है। उस रूम में जाके वो एक बार व्हाइट मेंशन की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। उसके साथ ही व्हाइट मेंशन के आसपास के एरिया की भी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, वहां कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जब उसको सब सही लगा तो वो वहां से उठकर उसके उस सीक्रेट रूम में ही साइड में रखे महंगे फ्लावर पॉट को अपनी जगह से हिलाती है। उसके ऐसे करते ही वो फ्लावर पॉट जहां पर था उसके आगे वाली जगह अपनी जगह से खिसक जाती है और उसके नीचे सीढ़ियां दिखाई देती हैं। उस सीक्रेट रूम के नीचे भी एक और सीक्रेट रूम था। अयाना उस सीढ़ियों से होते हुए सीक्रेट रूम के नीचे बने दूसरे सीक्रेट रूम में चली जाती है। उस सीक्रेट रूम में अयाना जब एंटर करती है तो उसे वो रूम पूरा खाली दिखता है। वो उस रूम से होते हुए उस रूम के एक कोने में चली जाती है जहां पर एक ब्लैक डॉट था, जो कि बरिकाई से देखने पर ही दिखाई देता है, नहीं तो किसी को भी वो दिखाई नहीं देता। अयाना उस काले डॉट को प्रेस करती है तो उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें पासवर्ड डालने को कहा जा रहा था। अनाया उस स्क्रीन पर पासवर्ड डालकर एंटर बटन पर क्लिक करती है। उसके ऐसे करने पर उसके सामने वाली दीवार दो भागों में बट जाती है और सामने एक डोर दिखाई देता है। अयाना उस डोर को अपने पास मौजूद एक खास तरह की
से अनलॉक करती है। डोर ओपन करके वो उस रूम में एंटर होती है। उस रूम में अंधेरा था, सामने क्या है ये आसानी से देखा नहीं जा सकता था। अयाना अपने वॉच पर जो साइड में 3 कलर के खास बटन थे जो कि तीनों ब्लैक कलर के ही थे, जो देखने से उस वॉच की डिजाइन की तरह लग रहे थे। अनाया उन तीनों बटन से बीच वाला बटन दबाती है जिससे उस पूरे रूम में उजाला हो जाता है। अब उस रूम में क्या है ये आसानी से देखा जा सकता था। वो रूम एक हॉस्पिटल के वीवीआईपी वार्ड की तरह लग रहा था। उस रूम में हर एक लेटेस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट लगाया था जो कि पेशेंट के लिए जरूरी थे। उस रूम में बीचों बीच लगे हुए बेड पर कोई लेटा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर व्हाइट पट्टियां बंधी थी। उस इंसान का सिर्फ चेहरा ही दिखाई दे रहा था, वो भी अच्छे तरह से नहीं दुख रहा था। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। पास के मॉनिटर पर उस इंसान के हेल्थ की कंडीशन दिखी दे रही थी। वो इंसान जो कोई भी उस बेड पर लेटा था वो औरत है या आदमी, ये भी बताना मुश्किल था। अनाया जब उस बेड पर लेटे हुए उस इंसान को देखती है जो कि इस वक्त कोमा में था, उसकी तरफ देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। अनाया कुछ समय के लिए उस इंसान के पास बैठकर अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब उस इंसान को बताती है। उसके बाद उस इंसान की कंडीशन चेक करके सकिन की बोतल चेंज करती है और कुछ मेडिसिन सिरिंज की मदद से सलाइन की बोतल में डालती है और उस रूम से बाहर फिर से अपने रूम में आ जाती है। उसके रूम में आने के कुछ ही समय बाद वहां पर आयुष और रयान आ जाते हैं। इस वक्त आयुष के चेहरे पर एक ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था। श्रेया उन दोनों से कुछ बात करती है। थोड़े समय बाद व्हाइट मेंशन के लिविंग रूम में जहां पर इस वक्त पूरी मित्तल फैमिली बैठी थी और उन सब की निगाहें इस वक्त सीडीओ पर टिकी हुई थी। थोड़े ही समय में लिविंग रूम में अयान, अयाना और आयुष आते हैं। सब उन तीनों को ही देख रहे थे। खासकर सबकी नजरें आयुष पर थी। उसने ब्लैक कलर का मास्क पहना था, फिर भी उसका कलर आसानी से देखा जा सारा था। वो लोग उसको देखकर पहचान गए थे कि ये आयुष ही है, पर उसका कलर सुबह अलग था और अब तो सब हैरानी से उसके तरफ ही देख रहे थे। वो तीनों ही आकर लिविंग रूम में लगे सोफे पे बैठ जाते हैं। अयाना अपनी फैमिली की तरफ देखकर कहती है, आओ। सब सोच रहे होंगे कि मैंने आप सबको इस वक्त ये पर क्या बुलाया है, तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे आप सबसे बेहद ही इम्पोर्टेंट बात करनी। आपसे किसी को मिलना है जिसके अस्तित्व से ही हम सब आज तक अनजान थे। अनाया ने इतना ही कहा था कि कुछ उससे कहता है, प्रिंसेस किसके अस्तित्व से हम सब अनजान थे और आप हूँ किस से मिलवाना चाहती है। इसकी बात पर अयाना कहती है, भाई पहले आप सब इस डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, आप सबको सब पता चल जाएगा। इतना कहकर अयान अपने पास मौजूद डीएनए रिपोर्ट की कॉपी हर एक की पास कर देती है। सब जब अनाया ने उनको जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो कोई और नहीं बल्कि डीएनए रिपीट थी, जिसे देखकर सब अपने आंखों में देर सके सवाल लिए अनाया की तरफ देखते हैं। अनाया सबको अपने तरफ देखता पाकर और उनके आंखें में जो सवाल थे वो समझकर उनसे कहती है, ये रिपोर्ट सच है। मॉम ने 15 साल पहले ट्विंस को जन्म दिया था जिसको किसी ने चुरा लिया था। उसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चला, पर इस डॉक्टर ने जिसने मॉम की डिलीवरी की थी उसने सब सच सच बताया है। उसने चंद पैसों के लिए मेरे छोटे भाई को हमसे दूर कर दिया था। उसके बारे में हम में से किसी को भी कुछ पता ही नहीं चलने दिया। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर उस डॉक्टर और जो भी इन सबके पीछे था उसके लिए गुस्सा आ गया था। अगर वो डॉक्टर और वो ईशान अभी उनके सामने होता तो उसका क्या हश्र होता, ये वो लोग खुद ही नहीं जानते थे। पर जो भी करते उस डॉक्टर को अपने किए पर पछतावा जरूर होता। अनाया के डैड अपनी बेटी की तरफ देखकर कहते हैं, प्रिंसेस उसका मतलब आयुष ही मेरा बेटा है ना। उनकी बात पर अयाना बस अपना सर हिला देती है और आयुष की तरफ देखकर उसको आंखों के इशारे से अपना मास्क निकलने को कहती है। आयुष के मास्क निकलते ही उसका चेहरा सबसे सामने आ जाता है। उसे देखकर सबको इस बात की खतरी हो जाती है कि वो हर्षवर्धन जी और राशि जी का ही बेटा है, क्योंकि उसकी शक्ल उन दोनों से ही काफी मिलती जुलती थी और अनाया के चेहरे से भी
हर्षवर्धन जी अपने जगह से खड़े होकर आयुष की तरफ बढ़ते हैं। आयुष भी अपने डैड को अपनी तरफ आता देखकर अपनी जगह से खड़ा हो जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हर्षवर्धन जी की आंखें भी नम हो गई थी। वो जानते थे वो क्या महसूस कर रहे थे। आज उनको पूरे 15 साल बाद इस बात का पता चला था कि उनका कोई बेटा भी है और वो उनकी प्रिंसेस के ही उम्र का है। उनके बीवी ने ट्विंस को जन्म दिया था पर उनके दुश्मन की वजह से उनकी पत्नी आज उनके पास नहीं है और उनका बेटा 15 साल से उनसे दूर था और साथ में उसने बेहद सारे जुल्म सहे है। हर्षवर्धन जी आयुष को गले लगाते हैं। उनके आंखों में इतनी देर रुके हुए आंसू उनके गालों पर आ जाते हैं। उनके साथ ही बाकी सभी भी इमोशनल हो गए थे। उनको अनाया ने बताया था कि आयुष को वो जहां से लेके आई थी उसके साथ क्या क्या हुआ था जिससे सबको उसके लिए बुरा लग रहा था। पर अब जब उनको ये पता चला था कि वो उनके परिवार का एक हिस्सा है और उसके साथ इतना सब हुआ और उनको इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था तो अब उनको ऐसा लग रहा था उनके इतने पावरफुल होने का कोई भी फायदा नहीं। उनको इतने सालों से अपने परिवार के सदस्य के बारे में ही कुछ पता नहीं था। वही माहौल को इतना सेटी होते देख लव अपने जगह से उठकर आयुष के पास जाते हुए कहता है, गाइस आप सब इतने इमोशनल क्या हो रहे हैं? आज तो खुशी की बात है, मुझे इतना हैंडसम भाई जो मिला है, देखिए कितना हैंडसम है। अब जब हम तीनों भाई बाहर एक साथ जाएंगे तो सब लोग को हमसे जलन हो जाएगी। ऐसी ही कुछ उपटान बातें लव करता है जिससे सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आयुष सबसे मिलता है, सबसे मिलकर उसको बेहद अच्छा लगता है। सब लोग जो कुछ भी हंस उसे बदल तो नहीं सकते थे इसलिए उसके बारे में न सोचकर आगे के बारे में सोचने लगे थे। थोड़ी देर सब लिविंग रूम में बैठ के एक साथ बातें करते हैं। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में के जाते हैं। अगले दिन से सब अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। लव कुश ने अपनी कंपनी की ऑस्ट्रेलिया वाली ब्रांच में ही अपना हेडक्वार्टर सेट किया था। बड़े पापा ने भी हॉस्पिटल ज्वाइन किया था और बड़ी माँ और दादी ने वहीं पर एक एनजीओ को लिया था। दादाजी हर्षवर्धन जी के साथ कंपनी जाते थे। वही अयान ने भी अपनी कंपनी का हार्ड क्वार्टर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट किया हुआ था। अयान और आयुष ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन ले लिया था। ऐसे ही एक के बाद एक दिन निकल रहे थे। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे वैसे वैसे इंडिया में महेश मेहरा ने विक्रांत राजावत और जॉन के साथ साथ नदिनी की हालात खराब कर दी थी। उन पर बेहद प्रेशर बढ़ रहा था। वो लोग हर जगह मित्तल फैमिली को ढूंढ रहे थे और खासकर उनके खजाने की चाबी अनाया को, पर उसका कोई पता नहीं चल रहा था। वही जैसे जैसे दिन निकल रहे थे वैसे वैसे महेश मेहरा का अंडरवर्ल्ड की पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी, पर उसी के साथ उसका गुस्सा भी खतरनाक होता जा रहा था। उसको मित्तल फैमिली और अनाया के बारे में अब तक कोई भी खबर नहीं मिली थी, जिस वजह से वो हमेशा गुस्से में रहता था। उसको जो चाहिए था उसे हासिल करने का अब उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, जिस वजह से उसका गुस्सा हर एक पर निकलता था, जिससे सब खुद से कोई गलती से भी ना हो इस बात का खास ख्याल रखते थे। ऐसे ही दिन से हफ्ता और हफ्ते से महीना और महीने से साल गुजर जाते हैं। ऐसे ही कब ऑस्ट्रेलिया में आए हुए मित्तल फैमिली को 3 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। सब अच्छे से सेटल हो गए थे। वक्त के साथ साथ अयान-अयाना का रिश्ता भी पहले से काफी मजबूत हो गया था। घर में सबको उनके बारे पता लग चुका था और उन दोनों के रिश्ते से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अनाया के 28 साल के होने के बाद उन दोनों की सगाई होने वाली थी और अनाया और आयुष का 18 बर्थडे नहीं, अब सिर्फ 3 ही दिन बचे थे। अनाया के 18 साल होने के बाद उसके लिए आने वाला एक साल बेहद ही रहस्य से भरा हुआ होने वाला था, क्योंकि उसने इसी वक्त में पिछले जन्म में अपनों को खो दिया था, जिस वजह से अनाया ने अपने प्यार परिवार की सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी थी। साथ में उसकी नजर महेश मेहरा, विक्रांत राजावत, जॉन और नंदिनी के हर एक कदम पर बराबर बनी हुई थी। इन बीते 3 सालों में अनाया पहले से बेहद पावरफुल हो गई थी। उसने खुद की एक अलग ही आर्मी तैयार की थी जो
की बेहद पावरफुल थी, को किसी भी देश को अपने घुटने पर टिका सकती थी। अनाया की बेहद सारी स्टीरियस पहचान थी, जिसमें से बच कुछ के बारे में ही उसके फैमिली का पता था। अनाया ने पिछले जन्म में उसके कदम से कदम उसका साथ देने वाले नितिन और रमेश को भी अपने आर्मी में स्माइल किया था। इस बार वो दोनों ही अनाया के पर्सनल बॉडीगार्ड थे। उनके लिए अनाया उनकी बहन के जैसे ही थी, जैसे अनाया रिबीर्थ के पहले उनकी बहन थी। अनाया आज ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े स्टेडियम में थी, जहां पर आज कोई क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि उस स्टेडियम में आज एक बेहद ही पॉपुलर सिंगर का लाइव परफॉर्मेंस होने वाला था, जिसके लिए वो पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था। सारे लोग अपनी फेमस आइडियल सिंगर का गाना सुनने के लिए वहां पर आए थे उस पूरे स्टेडियम में। मिस्ट्रायस सिंगर एआर के नाम की हूटिंग हो रही थी, जिसके आवाज में जादू था। उसकी आवाज किसी रोते हुए इंसान को हंसा सकती थी। उसकी आवाजें सुनने के बाद सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे, अपना हर एक दर्द भूल जाते थे। आज तक किसी ने भी उसका असली चेहरा नहीं देखा था। वो कैसी दिखती है, खासकर उनको ये भी नहीं पता था वो लड़की है या लड़की, क्योंकि वो लड़के और लड़की दोनों के आवाज में गाना गाती थी। साथ में वो हर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बजाती थी। इस वक्त सब बड़ी ही बेसब्राइज एआर के आने का वेट कर रहे थे, और उनका ये इंतजार कुछ ही समय में खत्म हो गया था। उनके सामने के स्टेज पर मिस्टीरियस सिंगर एआर खड़ी थी, और साथ में उसकी मधुर आवाज उनके कान में पड़ती ही सब उसके गाने पर झूमने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में लाइव संगीत परफॉर्मेंस हो रहा था, और जिसे अटेंड करने के लिए वहां पर उस सिंगर के लाखों चाहते आ गए थे। वो सिंगर जिसका नाम एआर था, वो इस वक्त एक हिंदी सॉन्ग गा रही थी, और उसके चाहते नीचे जोर जोर से हूटिंग कर रहे थे, उसके सॉन्ग पर झूम रहे थे। एआर का सॉन्ग चेंज हो जाता है, जो कि कुछ इस तरह था, मुझको इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सिहाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। एआर के मधुर स्वर उसके चाहतों के कानों में पड़ते ही सब मंत्र मुग्ध हो गए थे, उस गाने के ताल पर थिरकने लगे थे। ये गाना फुल ऑफ फीलिंग के साथ गा रही थी, साथ में उसकी नजर अपने सामने की भीड़ में से एक जगह पर ठहर शी गई थी। जब उसके फैंस उसकी नजर का पीछा करके उस तरफ देखने लगते हैं, तो वो उस जगह से अपनी नजरें हटा लेती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। वो जिस तरह से गाना गा रही थी, उससे उसके फैंस को लग रहा था यार अगर लड़का है तो वो ये गाना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गा रहा है, और अगर लड़की है तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए। शिवा ईशा का मतलब जानते हो तुम पार्वती, अब शिवा का साथ पार्वती नहीं देगी तो कौन देगा, पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झिनके सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी, हम सदियों से भी लंबी ये मन की अमावसे है, और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी, चंदा भी दीवाना है तेरा जलती है तुझसे सारी चकुरियां, काजल की सिहाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। पूरे स्टेडियम का माहौल इस गाने के वजह से रोमांटिक हो गया था। वहां जितने भी कपल थे वो सब अपने पार्टनर के साथ उस गाने को एंजॉय करने लगे थे। केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया इश्क है पिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया इश्क है पिया केसरिया तेरा। गाना खत्म होने के बाद अब एआर ने अपना आखिरी और तीसरा सॉन्ग गाना शुरू किया, जो कि एक इंग्लिश सॉन्ग था। सब इस गाने को भी एंजॉय कर रहे थे। सब जानते थे कि र जब भी किसी जगह पर लाइव परफॉर्मेंस देती तो वो थ्री गाने ही गाती। वो सॉन्ग भी उसके लाइव परफॉर्मेंस के पहले उसके फैंस के वोटिंग से सिलेक्ट किया हुआ होता था, और उसके किसी भी लाइव परफॉर्मेंस से उसकी जितनी अर्निंग होती थी वो सब वो डोनेट कर देती थी, जिससे उसके फैंस के दिल में उसकी एक अलग ही जगह बन गई थी। किसी को नहीं पता था उनकी आइडियल सिंगर लड़का
है या लड़की वो कैसे दिखती है और उसके फैंस को इस चीज से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उनकी तो बस उसकी वो दिल को छू जाने वाली आवाज पसंद थी। एआर अपना सॉन्ग खत्म करके अपने फैंस से अलविदा लेके वहां से चली जाती है। आज फिर एक बार सोशल मीडिया और ऑस्ट्रेलिया के सारे न्यूज चैनल पर बस एक ही नाम छाया था, ट्रेंड कर रहा था, वो था एआर 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 व्हाइट मेंशन। व्हाइट मेंशन में सब लोग बेसब्री से अनाया का वेट कर रहे थे और उनको ये वेट खत्म भी हो गया। अनाया ने व्हाइट मेंशन के लिविंग रूम में एंटर किया ही था कि उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी थी, जिससे उसके चेहरे पर एक बेहद प्यारी मुस्कान आ गई थी। उसको पता था वो घर आने पर सब उसका हर बार की तरह वेट कर रहे होंगे और उसके आने पर उसके प्यारे तीनों भाई उसके ऊपर हर बार की तरह फूलों की बारिश करेंगे। अनाया जाके सीधा अपने दादू दादी के पर छूकर उनके आशीर्वाद लेती है। उसके दादू और दादी भी प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर उसको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने का आशीर्वाद देते हैं। अनाया उसके बाद अपने बड़े पापा और बड़ी मॉम के पैर छूती है। वो दोनों भी उसके हाथ पर प्यार से हाथ रखकर उसको ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। अनाया जब अपने डैड के पैर छूने ही वाली थी कि उसके डैड उसको अपने गले लगा लेते हैं और उसके माथे पर किस करके कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू प्रिंसेस, आप एक मौका नहीं छोड़ती अपने इस डैड का सर गर्व से ऊंचा करने का। मैं आज बेहद खुश हूँ, आपको पता है हर जगह पर आप ही आप छाही हो, बस उन सबको आपकी असली पहचान नहीं पता। आयुष कहता है, हाँ डैड आप सच कह रहे हो, अगर उन सबको पता चलता वो लोग सब जिसको पूछते हैं उसकी आवाज अपने कानों में पड़ने के लिए तरसते हैं, वो कोई और नहीं मेरी एंजल है, यानी कि अनाया द रॉकिंग स्टार एआर। तो सोचे क्या होगा, आज बस एंजल ने एक लाइव परफॉर्मेंस दिया जिससे हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ एंजल ही चाहिए है। हाँ फ्रेंड्स, अब तक तो आप सब समझ ही गए होंगे कि द फेमस सिंगर कौन है, वो कोई और नहीं बाकी अनाया मित्तल ही है। अनाया आयुष को गले लगती है और लव और कुश को भी बुलाती है, तीनों एक ग्रुप हग करते हैं। आज व्हाइट मेंशन का माहौल बेहद ही अच्छा था। थोड़ी देर बातें करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अनाया अपने रूम में जाके सीधा फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी ही देर में वॉशरूम का डोर खुलता है और अनाया ब्लैक कलर के शॉर्ट्स और एक ढीली शीती शर्ट पहने बाहर आती है। अभी शावर लेने के वजह से उसके गाल हल्के से गुलाबी हो गए थे। अनाया के हाथ में टॉवल था जिससे वो अपने गीले बालों को सुखा रही थी। वही अयान जो कब से उसको वेट कर रहा था, वो जब अनाया को वॉशरूम से बाहर आता देखता है तो उसको बस देखता ही रह जाता है। वो कब उसके तरफ बढ़ जाता है ये उसको ही पता नहीं चलता। अयान अनाया के पास जाके उसके हाथ से टॉवल लेके उसको बेड पर बिठा देता है और खुद उसके सामने खड़ा होकर उसके बालों की सुखाने लगता है। बाल अच्छे से ड्राई होने के बाद अयान अनाया को अपनी गोद में उठाकर बालकनी में चला जाता है, जहां एक सुंदर सा गार्डन बनाया था। अनाया को अपनी गोद में ले जाके वो सीधा बालकनी में लगे झूले पर बैठ जाता है। अनाया अयान के गोद में ही बैठी थी, उसने अपना सर अयान के सीने में छुपा लिया था। वो सुकून से अपनी आंखें बंद करके बैठी थी। अयान को उसके चेहरे पर सुकून देखकर अच्छा लगता है। थोड़ी देर ऐसे ही बैठने के बाद अयान अपने होटर को उसके कानों के पास ले जाके उसके कान में कहता है, बेबी आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू। अनाया कहती है, आई लव यू टू आयु। अयान अनाया का चेहरा अपने चेहरे के सामने करके उसके आंखों में देखकर परमिशन मांगता है। अयाना अपनी आंखें झुका लेती है। उसके ऐसे करने से अयान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वो अपने होठों को अनाया के होठों पर रख देता है और बेहद ही प्यार से उसको किस करने लगता है। अनाया भी अयान का साथ दे रही थी। इस वक्त दोनों की ही आंखें बंद थी और दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। अनाया के हाथ अयान के बालों में चल रहे थे और अयान का एक हाथ अनाया के शर्ट से अंदर से उसके कमर को सहला रहा था और दूसरा अयाना के गाल पर था। अयान अपने जीभ से उसके लिप्स को खोलने की कोशिश करता है। अयाना अपने लिप्स हल्के से खोल देती है जिससे अयान आसानी से अपनी जिब उसके मुंह में एंटर करके उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है।
करीब 20 मिनट एक दूसरे को किस करके दोनों एक दूसरे अलग हो जाते हैं। अयान अपने होठों को अयाना के गले पर रख देता है और वहां पर उसको वेट किसेस करने लगता है, जिससे अनाया की पकड़ उसके शोल्डर पर कस जाती है। अयान उसके गले से होते हुए उसके कान के पास आकर उसके कान को किस करता है और उसके ईयरलॉब पर हल्के से बाइट कर देता है, जिससे अयाना की हल्की सी सिसकारी निकलती है। अयाना अयान को खुद से दूर कर अपनी आंखें छोटी करके उसको देखने लगती है। उसके ऐसे करते ही अयान अपना क्यूट सा फेस बनाकर अनाया को अपने पास करके उसके बालों में अपना चेहरा छुपा देता है और अपने दोनों हाथों को उसके टी शर्ट के अंदर डालकर उसके पीठ पर फिराने लगता है। उसके ऐसे करते ही अनाया के अंदर एक सिरहन दौड़ती है। वो अयान को खुद से दूर करने लगती है तो अयान उसको और टाइटली पकड़कर कहता है, बेबी डोंट मूव, बस थोड़ी देर तक ऐसे ही रहो। उसकी बात पर अनाया उससे कुछ नहीं कहती और वैसे ही अयान के गोद में बैठती है। अयाना अपना चेहरा उसके बालों से निकलता है और अपने होठों को फर्ज उसके होठों पर रख देता है और अयाना के होठों का रस पीने लगता है। कुछ ही समय में दोनों की किस एक पैशनेट किस में बदल जाती है। अयाना ने अयान के शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे और उसके हाथ उसकी बॉडी पर चल रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को किस करने में खो गए थे। वही दूसरी तरफ इंडिया में सुरभि ने जब आज का ऑस्ट्रेलिया में हुआ फेमस मिस्टीरियस सिंगर का सॉन्ग लाइव इंडिया में अपने टीवी पर देखा तो उसको एआर ने गाया हुआ सॉन्ग केसरिया तेरा इश्क है पिया सुनकर अनाया की याद आई, क्योंकि उसने अनाया को ये सॉन्ग गेट हुए सुना था। वो इस सॉन्ग को सुनकर खुद से ही कहती है, आज फेमस सिंगर का ये गाया हुआ सॉन्ग सुनकर मुझे उस अनाया मित्तल की याद आई जो पता नहीं अब कहाँ है और ऐसे दुनिया के किस कोने में चली गई है कि उसके बारे में कुछ पता है नहीं चल पाया। पिछले 3 साल से हम सब उसको ढूंढ रहे हैं पर उसका तो कहीं पर भी कोई अता पता ही नहीं। वो और उसकी फेम तो इंडिया से ऐसे गायब हो गई है कि वो कभी इंडिया में रहते ही नहीं है। पर कुछ भी हो, चाहे वो कहां पर भी चली गई हो, मुझे कैसे भी करके उसको ढूंढना ही होगा। उसके पास जो है उसको हासिल करना ही। इतना कहकर वो टीवी बंद करके वहां से कहीं चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया। आज अनाया और आयुष का बर्थडे था। आज दोनों ही 18 साल के हो गए थे। अनाया और आयुष के बर्थडे पर व्हाइट मेंशन मैं एक पार्टी थ्रो की थी, जिसमें उनके खास दोस्त और कुछ बिजनेसमैन को ही इन्विट किया था, क्योंकि जब तक अनाया पूरी तरफ से 19 की नहीं हो जाती तब तक मित्तल फैमिली अपने बारे में कोई भी न्यूज बाहर नहीं जाने दे सकती थी। उन्होंने सिर्फ अपने कुछ सबसे विश्वास पात्र लोगों को ही पार्टी में इन्विट किया था। व्हाइट मेंशन में उनके बर्थडे पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी थी, अब तो बस इंतजार था। तो बर्थडे गर्ल और बर्थडे बॉय का मित्तल फैमिली के सभी मेंबर्स अच्छे तरह से रेडी होकर नीचे हॉल में थे, जहां पर उन लोगों ने पार्टी रखी थी। पूरे व्हाइट मेंशन को डेकोरेट किया गया था। दादाजी और दादी इस वक्त हॉल में ही लगे सोफे पे बैठकर बातें कर रहे थे। वही हर्षवर्धन जी और देवराज जी अपने फोटो के साथ और पार्टी में आते बिजनेसमैन से बातें करने में बिजी हो गए थे। लव कुश अपने भाई और प्यारी सी बहन को नीचे लाने के लिए गए थे। हर्षवर्धन जी वहीं पर बनाया हुए छोटे से वेल डेकोरेट स्टेज पर जाते हैं और सबका ध्यान अपनी ओर खींचकर कहते हैं, हेलो एवरी, आप सब जानते ही आज की पार्टी किस लिए रखी गई है। आज मेरी बेटी और बेटे का बर्थडे है। आज वो दोनों 18 साल के हो गए, जिस वजह से आज हमने ये पार्टी थ्रो की है। उन्होंने इतना ही कहा था कि देवराज जी उनके पास आकर आगे कहते हैं, आज हमें दोनों बच्चे के जन्मदिन भी है और उसी के साथ हम आज ये पर और एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। वो क्या है वो मैं आपको अभी नहीं बल्कि केक कटिंग के बाद करेंगे। उनके इतना कहने के बाद हर्षवर्धन जी अपने असिस्टेंट को इशारा करते हैं। उनका इशारा समझकर उनका असिस्टेंट जल्द से हॉल की सारी लाइट डिम कर देता है और म्यूजिक प्ले करता है। एक स्पॉटलाइट आकर सीडियो पर पड़ जाती है। जगह पर आयुष और अयाना खड़े थे। दोनों वो बेहद प्यार लग रहे थे और दोनों के आजू बाजू लव कुश थे। चारों नीचे उतर रहे थे। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसे वैसे उनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी, जिससे
अयाना और आयुष के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। आयुष ने ब्लैक कलर का डिजाइनर सूट पहना था, पैरों में ब्रांडेड ब्लैक शूज, हाथ में ब्रांडेड घड़ी। उसने अपने काले छोटे बाल अच्छे से जेल से सेट किए हुए थे। आयुष बेहद ही हैंडसम और क्यूट लग रहा था। वही हनाया ने एक खूबसूरत रेड कलर का पार्टी गाउन पहना था, जिसमें उसके पैरों के पास एक कट था, जिससे उसके लंबे गोरे पैर आसानी से दिखाई दे रहे थे। उसके लंबे काले बाल जो कि कमर तक थे, वो उसने खुले चोदे थे। चेहरे पर लाइट मेकअप, गले में डायमंड का सेट, कान में डायमंड के इयररिंग्स पहन हुए थे, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, जिससे वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। पैरों में उसने रेड हिल्स की सैंडल पहनी थी। कुल मिलाकर वो बेहद ही क्लासी, एलिगेंट और ब्यूटीफुल लग रहा था। वही उसके और आयुष के पास खड़े लव कुश भी किसी से कम नहीं लग तरह थे। कुश ने डार्क ब्लू कलर का डिजाइनर सूट पहना था, हाथ में ब्रांडेड वॉच, पैरों में ब्लैक बूट, बाल जेल से सेट किए हुए थे। ऊपर से कुश की वो ब्राउन आंखें, वो एकदम किलर लग रहा था। और वही लव ने ग्रे कलर का डिजाइनर सूट पहना था, हाथ में ब्रांडेड वॉच, पैरों में ब्लैक बूट। उसने अपने हल्के ब्राउन बाल जेल से वेल सेट किए हुए थे। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली किलर स्माइल थी। कुल मिलाकर दोनों ही बेहद हैंडसम लग रहे थे। वहां मौजूद सभी की नजर सीढ़ियो से नीचे आ रहे उन थ्री हैंडसम और उस ब्यूटीफुल लड़की पर ही टिकी थी। सब उन चारों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। वहां आए हुए बिजनेसमैन अपनी बेटी की शादी उनसे करना चाहते थे, पर ये इम्पॉसिबल था। पार्टी में आई हुई लड़कियों की नजर तो उन तीन हैंडसम लड़कों से है ही नहीं रही थी, और लड़कों की अनाया से, पर वो बस दूर से ही देख सकते थे। वो चारों धीरे धीरे चलते चलते स्टेज पर आ जाते हैं। वहां आकर अयाना और आयुष अपनी फैमिली से मिलते हैं। सारा मित्तल परिवार इस वक्त स्टेज पर था। स्टेज के बीचों बीच अयाना और आयुष थे, और उनके पास उनकी पूरी फैमिली। उन दोनों के सामने एक बेहद बड़ा केक था, जो कि वनीला फ्लेवर का था, जो कि अयाना और आयुष का फेवरेट था। अयान और आयुष दोनों ही साथ में केक कटिंग करते हैं। उनके केक कट करते ही सब क्लिपिंग और बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। आयुष और अनाया अपने दादा दादी, बड़े पापा बड़ी मॉम डैड और अपने दोनों भाई लव कुश की केक खिलाते हैं। केक कटिंग के बाद पार्टी में आए सभी उन दोनों को गिफ्ट्स देते हैं और उन दोनों को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते हैं। वही वहां पर आए बिजनेसमैन अनाया से बात करने के लिए बेताब थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अनाया वो लड़की है जिसने पिछले साल मित्तल फैमिली को बर्बाद होते होते बचाया था, क्योंकि मित्तल ग्रुप में काम कर रहे हैं। एक एम्प्लॉय ने चंद पैसों के लिए मित्तल ग्रुप के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख कर दी थी, जिससे मित्तल ग्रुप लगभग बर्बाद होने के करीब आ गई थी। उस वक्त अनाया ने मित्तल ग्रुप में कदम रखा और कंपनी को उस मुसीबत से निकलकर आज कंपनी जिस मुकाम पर थी वहां पर पहुंचाया था। अब केक कटिंग हो गई थी, अब बारी थी तो मित्तल फैमिली जो अनाउंसमेंट करने वाली थी उस बात की। हर्षवर्धन मित्तल सबसे कहते हैं, सो फ्रेंड्स, अब केक कटिंग हो गई है तो चलो हम जो अनाउंसमेंट करने वाले है वो कर ही देते हैं। सब बेहद ही क्यूरोसिटी के साथ हर्षवर्धन जी क्या अनाउंसमेंट करने वाले ये जानने के लिए उनके तरफ देखते है। हर्षवर्धन जी सबकी तरफ एक नजर देखते हैं, उसके बाद वो कहते हैं, मित्तल ग्रुप अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसमें मित्तल ग्रुप और सिगानिया ग्रुप साथ में कोलाब कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच सिगानिया ग्रुप के सीईओ मिस्टर अयान सिगानिया यहां पर हैं। मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। अयान जो अभी अभी पार्टी में आया था, उसको किसी काम से पार्टी में देर हो गई थी। जब अयान स्टेज पर आता है, सबकी नजर उस पर टिक सी जाती है। भले ही उसने इस वक्त मास्क पहना था, फिर भी कोई भी उसको देखकर बता सकते थे कि वो कितना हैंडसम है, और साथ में उसके आसपास का ओरा बेहद खतरनाक था। अयान ने इस वक्त डार्क ब्लैक कलर का डिजाइनर टैक्सीडो पहना था, उसके हाथ में ब्रांडेड घड़ी, पैरों में ब्लैक बूट, उसके छोटे छोटे काले बाल जेल से अच्छे से सेट किए हुए थे। ऊपर से उसके चेहरे पर का वो ब्लैक उसको एक मिस्टीरियस लुक दे रहा था। अयान स्टेज पर आकर मित्तल ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। सब तालियां बजाते हैं और उनको
कंग्रेचुलेशन कहते हैं क्योंकि वहां पर आए सभी जानते थे कि मित्तल ग्रुप और सिगानिया ग्रुप ऑस्ट्रेलिया की टॉप 5 कंपनी में से एक है। अगर उनकी पार्टनरशिप हो गई तो बिजनेस वर्ल्ड में तहलका मचा देगा। वही आज तक वहां मौजूद कोई भी इंसान ने सिगानिया ग्रुप के सीईओ को नहीं देखा था और न ही उससे मिलने का उनका कभी मौका मिला, पर आज जब उन्होंने इसे अपने सामने देखा और उसके आसपास के ओरे देखकर ही वो उसकी पावर के बारे में जान गए थे, क्योंकि उसने यूं ही नहीं सिगानिया इंडस्ट्री को एशिया में नंबर 1 लेकर खड़ा किया था और ऑस्ट्रेलिया में सिगानिया इंडस्ट्री 3-0 पर थी। अयान के चेहरे पर मास्क लगा था जिस वजह से किसी को भी उसके आंखों के अलावा उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर आज की ये अनाउंसमेंट ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी धमाकेदार लेबर साबित होने वाली थी। कुछ ही समय में पार्टी खत्म हो गई थी। मित्तल फैमिली थोड़ी देर व्हाइट मेंशन के हॉल में बैठकर बातें करते है, उसके बाद सभी अपने 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 रूम में सोने चले जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी। लव और कुश एक बार फिर अपने दोनों छोटे भाई और बहन को बर्थडे विश करके वहां से अपने रूम में चले जाते हैं। अयाना अपने रूम में जाती है, उसके ही पीछे आयुष भी था और अयान भी उन्हीं के साथ अयाना के रूम में एंटर करता है। तीनों ही रूम में लगे सीटिंग एरिया में बैठ जाते हैं। आयुष अयान की तरफ देखकर कहता है, दोस्त आप जिस काम के लिए गए थे क्या वो हो गया? अयाना भी अयान के जवाब के लिए उसकी तरफ क्यूरियोसिटी से देखती है। उन अयान एक बार उन दोनों को देखता है और फिर अपना सर हिलाकर हाँ कहता है। उसके ऐसे करते है ही आयुष अयान की ऊपर कूद जाता है और उसके गले लगाकर उससे कहता है, सच में भाई। अयान आयुष को ऐसे खुद के गले लगने से पहले तो शोक में चला जाता है, पर बाद में उसको उसकी बचकानी हरकत पर हंसी आ जाती है और वो उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, हाँ बाबा। वो लोग थोड़ी देर ऐसे ही बात करते हैं। अयाना आयुष को इसका बर्थडे गिफ्ट दे देता है। आयुष जब वो गिफ्ट खोलकर देखता है तो उसमें एक कार की चाबी थी। अयान ने उसको एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की थी जो कि लिमिटेड एडिशन थी, जो कि पूरे दुनिया में बस वैसे 5 ही कार थी। आयुष अयान के गिफ्ट से बेहद खुश था। वो खुशी खुशी वहां से चला जाता है। अब उस रूम में बस अयाना और अयान ही थे। अयान अयाना के पास आकर बैठता है। अयाना उसकी तरफ देखती है तो उसे अयान अपने ही तरफ आंखों में ढेर सारा प्यार लिए देखता दिखता है। अनाया अयान की तरफ देखकर कहती है, आयु मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? उसकी बात पर अयान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अपनी जेब से कुछ निकलता है और अयाना को अपनी आंखें बंद करने को कहता है। उसके बाद वो अयाना के फेक में उसने लाया हुआ वो खूबसूरत पेंडेंट पहना देता है। उस पेंडेंट में एक रेड कलर का डिमांड का स्टोन था जो कि बेहद महंगा था। वो बस दुनिया में ओनली 1 ही पीस था। अयाना जब अपनी आंखें खोलकर अपने गले में अयान ने पहना हुआ वो खूबसूरत पेंडेंट देखती है तो उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने उस पेंडेंट को एक मैगजीन में देखा था। उसको देखते ही वो पेंडेंट बेहद पसंद आया था। उस पेंडेंट में कुछ तो खास बात थी को अनाया को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, पर जब उसने उस पेंडेंट को खरीदने की सोची तो तब उसको पता चलिए पहले ही किसी ने खरीद लिया है और साथ में ये ओनली 1 पीस है, इसके जैसे और कोई नहीं है और नहीं कभी बनाया जा सकता है, क्योंकि उस लॉकेट में जो रेड कलर स्टोन लगा है जो कि एक खास तरह का डायमंड है, वो एक पुरानी केव से मिला है सिंगल पीस और वो उस लॉकर में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए अब उसके जैसा कोई भी नहीं बन पाएगा। और साथ में वो स्टोन जिस केव से मिला है वो काफी मिस्टीरियस केव है। वहां पर गया हुआ इंसान कभी भी जिंदा वापस नहीं आता, पर जिसने उस लॉकेट को बनाया था पता नहीं वो उस स्टोन को लेके वहां से जिंदा कैसे आया। श्रेया सोच ही रही थी कि तभी अयान को बातों से वो अपनी सोच से बाहर आकर अयान को हक करके कहती है, तुमको कैसे पता चला ये मुझे चाहिए था? तुमको पता है जब मैंने इसे एक मैगजीन में देखा था तभी मुझे ये पसंद आया था। मैंने इसे खरीदने के लिए उनसे कॉन्टेक्ट भी किया पर ये पहले ही बिक चुका था। वो ये सब कह रही थी कि उसे कुछ याद आया। वो अयान से अलग होकर उसकी आंखों में देखकर कहती है, तो आयु इसे
आपने पहले ही मेरे लिए खरीदा था। उसकी इस बात पर अयान मुस्कुराते हुए अपना सर हमें हिलाता है और उसके बालों में अपना हाथ फिराने लगता है। अयाना खुशी से अयान को हग कर लेती है। इंडिया में सुमित्रा विला। महेश मेहरा इस वक्त अपने रूम में बैठा था। वो किसी सोच में गुम था। वो बेहद ही परेशान कर रहा था। उसे कैसे भी जल्द से जल्द अयाना को ढूंढना था क्योंकि समय पास आ रहा था। महेश मेहरा को कैसे भी करके मित्तल खानदान की धरोहर उस दिव्य तेजस्वी हीरे को हासिल करना था जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। उस हीरे के खातिर ही उसने पिछले जन्म में मित्तल फैमिली को ब्लास्ट में मार दिया था। पर इस वक्त उससे एक गलती हो गई थी जिस वजह से वो हीरा उसको नहीं मिला था। दिव्य तेजस्वी हीरा जिसकी रक्षा के लिए हर 50 साल बाद एक रक्षक धरती पर आजता था जिसे खुद वो दिव्य तेजस्वी हीरा चुनता था। और पिछले कई सालों से या कह सकते हैं कि पीढ़ियों से उस हीरे का रक्षक मित्तल खानदान का सदस्य होता था। और उस बार भी वो हीरा पिछले 100 सालों बाद फिर से एक बार प्रकट होने वाला था। ये बात दुश्मनों को पहले ही पता चल गई थी। दुश्मनों से उस हीरे की रक्षा करने के लिए उसके रक्षक ने पहले ही जन्म लिया था। वो और कोई नहीं बल्कि अनाया थी जो अपने 19 साल के होने के बाद उस दिव्य हीरे के प्रकट होने के बाद उसकी पूजा करके उसे फिर से एक रक्षा सूत्र में बांधकर उसे एक सेफ जगह पर रखना था जिससे वो हीरा फिरे से अगले 100 सालों के लिए इस धरती में ही किसी जगह पर गुप्त हो जाए जिससे धरती पर एक संतुलन बना रखे। महेश मेहरा कैसे भी करके उस हीरे को हासिल करना चाहता था क्योंकि वो कोई मामूली हीरा नहीं था। उस हीरे में महाकाली और महादेव की शक्तियां थी। अगर किसी के पास वो हीरा हो तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। और महेश मेहरा को जब से उस हीरे के बारे में पता चला था तब से वो इस हीरे को पाना चाहता था। उसके दिल में शक्तियों का लालच आ जाता था। उस हीरे की शक्तियां हासिल करके वो अमर होना चाहता था। पर यूं उसके लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि वो हीरा प्रकट हो भी गया तो भी कोई भी उसको छू नहीं सकता था। अगर किसी ने उसे गलती से भी छू लिया तो वो इंसान वही जल के खाक हो जाएगा। उस हीरे को बस उसकी रक्षक ही छू सकती है। उसके अलावा कोई भी उसे छू नहीं सकता था। इसलिए महेश मेहरा को अनाया की जरूरत थी। दिव्य तेजस्वी हीरा पिछले 99 साल से गुप्त स्थान पर सुरक्षित था पर अब उसका सुरक्षा कवच कमजोर हो गया था। अगले एक साल में वो दिव्य तेजस्वी हीरा अपने असली रूप में आने वाला था। अगर वो किसी गलत हाथ में चला गया तो बेहद बड़ा तूफान आने वाला था। महेश मेहरा को अब किसी भी हाल में मित्तल फैमिली को ढूंढना था और खासकर रयाना को। महेश मेहरा सब सोच ही रहा था कि तभी उसको किसी का कॉल आता है। वो रिसीव करता है तो फोन की दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर महेश मेहरा का चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। वो फोन की दूसरी तरफ के ईशान से कुछ कहता है और फोन काट कर अपने रूम से निकल कर कहीं चला जाता है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट मेंशन अनाया का रूम। अयाना और अयान एक दूसरे को हग करके बैठे थे। थोड़ी देर बाद वैसे ही बैठने के बाद अयान अनाया के कान के पास अपने हॉट ले जाता है और उससे कहता है बेबी। अयाना उससे कहते हैं हम। अयान अनाया के कान पर अपने होठ फिरते हुए अपनी गहरी सांस उसके कान के पास छोड़ते हुए उससे कहता है बेबी आई वॉन्ट टू फील यू। अनाया अयान की गर्म सांस अपने कान के पास महसूस कर और अयान के ऐसे उसके कान के पास किया करने से अंदर तक सिहर जाती है। उसकी धड़कने बढ़ने लगती हैं और अयान के बात सुनकर उसकी पकड़ अयान की शर्त पर मजबूत हो जाती है जिस अयान बखूबी समझ जाता है। उसकी भी दिल की धड़कने इस वक्त तेजी से धड़क रही थी। अयान अयाना का चेहरा अपने चेहरे के सामने करके उसके आंखों में देखते हुए कहता है बेबी अगर आप नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं। अयाना अयान की आंखों में देखती है और अपने होठों को अयान के होठों पर रख देती है। उसको ऐसे करते ही अयान समझ जाता है कि अयाना का जवाब क्या है। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। जब अयाना को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है तो अयान न चाहते हुए भी उसके होठों से अलग होता है और उसके पूरे चेहरे पर अपनी किसेस की बारिश करने लगता है।
अयान अनाया के कोलर बोन पर अपने होठ रखकर अनाया के कोलर बोन पर किस करने लगता है। कोलर बोन पर किस करने के बाद अयान फिर से अपने होठों को अयाना का होठों पर रख देता है और अयाना को होठों को पागलों की तरह चूमने लगता है, जिसमें अनाया भी उसका साथ दे रही थी। वो दोनों आगे बढ़ते उससे पहले ही अयाना का फोन पर किसी का कॉल आने लगता है। अयान पहले तो कॉल को इग्नोर करता है, पर बार बार कॉल आने के वजह से वो झुंझला जाता है। अनाया को उसके ऊपर हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल करके बैठी थी। अयान की नजर जब उसके चेहरे पर जाती है तो वो आंखों से उसे गिरता है और कहता है, बेहद हंसी आ रही है ना, तुम रुको तुमको बताता हूँ। अयाना उसके फूले हुए गालों को खींचते हुए कहती है, आयु पहले आप फोन पर अंत करो, कुछ इम्पोर्टेंट कॉल होगा। उसकी बात सुनकर अयाना उसको अपने गले लगाकर कॉल रिसीव करके के अपनी कोल्ड आवाज आवाज में हेलो कहता है। उसकी कोल्ड आवाज सुनकर एक पल के लिए सामने वाला डर ही जाता है, पर जल्दी ही खुद को नॉर्मल करके वो अपनी बात कहने लगता है। जिस काम के लिए उसने कॉल किया था वो उसकी सारी बात सुनने के बाद अयान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो फोन के दूसरे तरफ के ईशान को कुछ कहता है और अपना फोन काट लेता है। अनाया की काफी देर से अयान के चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी। वो उसके चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन देखकर उससे कहती है, क्या हुआ आयु, किसका कॉल था। अयान जो कुछ सोच रहा था वो अयाना की बात से होश में आता है और उसकी तरफ देखता है तो उसको उसकी जान उसके तरफ ही अपने आंखों में सवाल और चिंता लिए उसे ही देख रही थी। तो वो उसके माथे पर हल्का सा किस करके उसे अपने सीने से लगा लेता है। उसके बाल सहलाते हुए उससे कहता है, बेबी कुछ नहीं, वो लंदन की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए मुझे आज ही लंदन के लिए निकलना होगा। उसके इतना ही कहना था कि अयाना उसको टाइट हग कर लेती है। वो उससे कहते हैं, आयु आप अभी अभी तो न्यूयॉर्क से आए हो, अब आप फिर से लंदन जाने वाले हो, आपका जाना जरूरी है। अयान उसको वैसे ही हग करके उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, हाँ जान, जाना पड़ेगा, अगर इम्पोर्टेंट बात नहीं होती तो मैं कभी नहीं जाता। पर उसने इतना ही कहा था कि अयाना उससे कहते हैं, ठीक आयु मैं आपको नहीं रोकूंगी, पर आप जल्दी आएंगे, प्रोमिस करो, और उसके बाद आप पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे। उसकी बात सुनकर अयान उसके नाक पर पिंच करते हुए कहता है, ओके जान, जैसे आप कहो, मैं जल्द से जल्द वहां का काम खत्म करके आयूंगा। अयाना अयान से कहते हैं, आयु तुम कब जाने वाले हो। उस पर अयान उससे कहता है, बेबी अभी थोड़ी देर बाद जाना पड़ेगा, तभी मैं सुबह तक वहां पहुंच पाऊंगा। उसकी बात पर अयाना उससे अलग हो जाती है और अयान के होठों पर अपने होठों को रखकर छोटी सी किस करके उससे अलग ही होने वाली थी कि अयान उसको टाइट पकड़कर उस छोटी सी किस को एक पैशनेट किस में बदल देता है। थोड़ी देर बाद अयान और अयाना दोनों ही व्हाइट मैंशन के टेरेस पर थे, जहां पर के चोपा खड़ा था। अयाना ने अयान का हाथ मजबूती से पकड़ था, वो थोड़ी सी सड़ भी हो गई थी। अयान भी उसकी फीलिंग समझ रहा था, पर वो भी क्या कर सकता, उसका लंदन जाना बेहद जरूरी था, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं होती तो वो कभी अपनी जान को ऐसे छोड़कर जाता ही नहीं। अयान अनाया को हग करके उसके माथे पर किस करके उसे अपना ख्याल रखने को कहता है और बिना पीछे दिखे वो चोपा में बैठ जाता है, क्योंकि अगर उसने एक पल के लिए भी पीछे देखा तो वो वहां से जा नहीं पाएगा, ये उसको पता था, इसलिए वो अनाया की तरफ नहीं देखता। अनाया वही खड़ी होकर उसको चोपा में बैठते हुए कहती है, और कुछ ही समय में चोपा एक आवाज के साथ वहां से टेक ऑफ कर लेता है। चोपा के वहां से जाने के बाद अयान भी वहां से अपने रूम में चली आती है, तभी उसे अपने मोबाइल पर मैसेज की टोन सुनाई देती है। वो जब मैसेज देखती है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी स्माइल आती है। ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि अयान ने ही किया था। थोड़े समय बाद सुबह के 4 बजे थे, अयाना अपने रूम में ही बने हुए सीक्रेट रूम में आती है, जहां पर पहले ही मायरा, रोहन और विवान उसका वेट कर रहे थे। वो तीनों ही निद में ही थे कि उनको अनाया का मैसेज आया, जिसे पढ़ कर वो सब सीक्रेट रूम में आ गए थे। अनाया सीक्रेट रूम में आकर उन तीनों की तरफ एक नजर देखती है, फिर वहां पर
लगे एक कंप्यूटर के सामने बैठकर उसमें कुछ टाइप करने लगती है। वो तीनों ही उसकी तरफ ही असमंजस से देख रहे थे। थोड़ी ही देर में अनाया को जो चाहिए था वो उसके सामने था। वो उस कंप्यूटर के सामने से हटती है। उसके कंप्यूटर के सामने से हटते ही उन तीनों की नजर उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर चली जाती है और उन तीनों की ही आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो उस स्क्रीन को एक बार देखकर फिर अयाना की तरफ देखते हैं, जैसे उससे कुछ कंफर्म करना चाहते हो। मायरा, विवान और रोहन अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अनाया की तरफ देखते हैं, जो कि व्हाइट मेंशन की सिक्योरिटी चेक कर रही थी। जब मायरा को रहा नहीं गया तो वो अनाया से पूछती है, अनुये को इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये सच है? मायरा की आवाज सुनकर अनाया उनकी उसकी तरफ एक नजर देखती है, फिर अपनी नजर सामने के कंप्यूटर स्क्रीन पर करती है। विवान अनाया से कहता है, अनु, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही थ्री पिक्स, ये वही तीन लोग हैं जो इस वक्त व्हाइट मेंशन के सिक्योरिटी में तैनात है ना? विवान की बात सुनकर मायरा और रोहन एक बार ध्यान से उन तीनों को देखते हैं, जो कि व्हाइट मेंशन के सिक्योरिटी में तैनात गार्ड थे, जिन्हें उन दोनों ने दो दिन पहले देखा था। और वो तीनों ही यूं ही कई हफ्ते पहले जॉन हुए थे, पर उनकी तो अच्छे से जांच की गई थी। वैसे भी व्हाइट मेंशन में जितने भी गार्ड थे सबको एक कड़ी ट्रेनिंग और उनकी अच्छे से जांच कर ही उनको व्हाइट मेंशन में तैनात किया जाता था। अनाया उन तीनों की तरफ देखकर कहती है, ज्यादा अपने दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, ये तीनों डेविल गैंग के आदमी है जो ये पर क्वीन को पकड़ने को आए हैं। अनाया की बात सुनकर मायरा, रोहन और विवान तीनों की ही आंखें बड़ी हो जाती है। मायरा अनाया की तरफ देखकर कहती है, अनु, इसका मतलब डेविल गैंग के लीडर को तुम क्वीन ही इस बारे में पता चल चुका है, इसलिए उसने इन तीनों को ये पर तुझे मारने के लिए भेजा है। जिस पर अनाया उससे कहती है, शायद इन तीनों को देखकर तो यही लगता है। विवान अनाया की बात सुनकर उससे कहता है, अनु, तुमको इस बारे में कब पता चला? अनाया उसकी तरफ देखकर कहती है, यू ही कोई 4 से 5 दिन पहले। अनाया ने ये बात बेहद ही कैजुअली कही थी। उसकी बात सुनकर रोहन उससे कहता है, अनु, तुमको जब पहले ही पता चल गया था तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? तुमको पता है ना दुश्मन तुम्हारे कितने पास है, गिर भी तुम इतनी शांत क्या हो? वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और तुम्हारी पहचान के बारे में डेविल गैंग के लीडर को पता चल गया है, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। अनाया शांति से रोहन की बात सुन रही थी। वो अच्छे तरह से रोहन और मायरा विवान की चिंता समझ रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वो क्या सोच रही है ये बता पाना मुश्किल था। मायरा अयाना की तरफ देखकर कहती है, अनु, रोहन ने कुछ कहा है, कुछ तो बोलो। तभी उसको कुछ क्लिक होता है। वो कहती है, वेट वेट, क्या मैं को सोच रही हो वैसा है? उसके एक्सप्रेशन से अमाया समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहती है। अनाया के चेहरे पर डेविल स्माइल आती है, जिसे देखकर विवान और रोहन को कुछ समझ नहीं आता, पर उस स्माइल को देखकर मायरा सती बात समझ गई थी। वो उसकी तरफ देखकर कहती है, इसका मतलब मैं जो सोच रही हूँ वैसा ही है। मायरा के गोल गोल बातें विवान रोहन को समझ नहीं आ रही थी। उनके सब सर के ऊपर से जा रहा था। विवान कहता है, मायरा, तुम साफ साफ बोलो ना, आखिर बात क्या है? हमें भी तो पता चले, एक तो पहले से ही दुश्मन हमारे इतने पास है, वो तुम ये गोल गोल बातें कर रही हो। विवान की बात पर रोहन भी सहमति जता देता है। मायरा उन दोनों की बातें सुनकर उनकी तरफ देखती है और उनसे कहती है, तुम दोनों को क्या लगता है, व्हाइट मेंशन में कोई भी एरा गैरा इसे ही बिना किसी बैकग्राउंड को चेक किए बगैर ही एंटर कर सकता है? और आखिर ये तो बात सिक्योरिटी के है, तो किसी भी ईशान को ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिल जाएगा क्या? उसकी बात सुनकर विवान और रोहन के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वो अपने चेहरे पर हैरानी के इकोरेशन लेके अनाया की तरफ देखते हैं। विवान कहता है, उसका मतलब अनु को पहले से ही उन तीनों के बारे में सब पता था और उसने जानबूझकर उनको जॉब पर रखा है, और तो और व्हाइट मेंशन के अंदर ही वो तीनों ही तैनात है। मायरा विवान की बात पर अपने सर जमे हिलाती है। रोहन कहता है, अगर अनु तुमको पहले से पता था तो उन तीनों
को व्हाइट मेंशन में क्या रखा है उनको सीधा ऊपर पहुंचा देना था ना। अनाया कहती है मुझे कुछ पता लगाना था, अब पता चल चुका है। वैसे भी डेविल गैंग के लीडर को बस शक था कि है, पर क्वीन रहती है वो तो बस कंफर्म करना चाहता था, इसलिए इन तीनों को भेजा था। पर अब इन तीनों के साथ ही पूरी डेविल गैंग का नक्शा या यू कहे कि नाम ऑस्ट्रेलिया से मिट जाएगा। इतना कहने के बाद अनाया डेविल स्माइल करने लगती है। उसकी वो स्माइल देखकर मायरा, विवान और रोहन को भी डर लगता है, पर वो तीनों ही अपने फेस पर कुछ शो नहीं करते। अनाया उन तीनों की तरफ देखती है। ये जो डेविल गैंग थ्री लोग हैं, इन लोगों को अब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में नहीं पता चली है, पर अब और नहीं, उनके कुछ करने से पहले मैं ही ये खेल खत्म करना चाहती हूँ। वैसे भी डेविल गैंग के पर कुछ ज्यादा है, फड़फड़ा रहे हैं, उनके पर काटने का समय आ चुका है। मैं नहीं चाहती कि ये आगे जाके मेरे दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर मुझ पर वार करे, इसलिए अब पूरी डेविल गैंग का नक्शा मिटाना है, इसीलिए तुम तीनों को ये पर बुलाया है। अनाया की बातें सुनकर रोहन खुद से ही कहता है, अनु के तो ये सी रही है कि डेविल गैंग का नक्शा ऑस्ट्रेलिया से मिटाना है। क्या कोई हलवा है? डेविल गैंग पिछले 50 साल से ऑस्ट्रेलिया में अपनी जड़ें मजबूत करे हुए है, और ऐसे कैसे उनको ऑस्ट्रेलिया से मिटा सकते हैं? वैसे मिटा भी सकते हैं, ये छोटी शैतान कुछ भी कर सकती है। ये सब खुद से ही कहते हुए रोहन बेहद ही अजीब सा मून बना रहा था, पर उस पर किसी का ध्यान ही नहीं था। अगर गलती से भी अयाना को वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में पता चलता तो उसकी खैर नहीं थी। अनाया उन तीनों को अपना प्लान बताती है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ी देर तक चारों ही डेविल गैंग को कैसे खत्म करना है उस बारे में बात करते हैं, फिर वहां से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अयान अपने रूम में आके बेड पर लेट जाती है। उसके आंखों में नींद का कतरा नहीं था, वो तो एक तक सीलिंग को देखते कुछ सोच रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, वो क्या सोच रही थी, उसके मन में क्या चल रहा था, ये बता पाना मुश्किल था। इंडिया में सुरभि राजावत इस वक्त मित्तल मेंशन से कुछ ही दूरी पर अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी। वो अपनी लाल आंखों से एक तक मित्तल मेंशन को घूर रही थी। पिछले 3 साल से वो पागलों की तरह अनाया मित्तल को ढूंढ रही थी और साथ में मित्तल फैमिली को भी, पर उसके हाथ में सिवाय निराशा के कुछ भी नहीं लगा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर ये लोग जा कहा सकते हैं। पूरे इंडिया के किसी भी कोने में उनका कोई भी नामो निशान नहीं था, और नहीं विदेश में उनके बारे में कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था मित्तल परिवार कहाँ चला गया। सुरभि को कैसे भी करके अपने डैड के मौत का बदला लेना था। वो अपने डैड के डेथ का कारण मित्तल फैमिली को समझती थी, इसलिए वो कैसे भी करके मित्तल परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी। सुरभि मित्तल मेंशन को घूर ही रही थी कि तभी उसके फोन पर किसका कॉल आता है। कॉलर आईडी देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो बिना वक्त गवाए कॉल रिसीव करती है, तो दूसरी तरफ से उसके काम में किसी आदमी की आवाज पड़ती है। वो उससे कुछ कहता है, जिसे सुनकर सुरभि का चेहरा खिल जाता है। कुछ देर बातें करने के बाद वो कॉल कट करके अपनी कार वहां से आगे बढ़ती है। सुरभि के मित्तल मेंशन के आगे से जाते ही उसी के थोड़ी दूर खड़ी एक कार, जो कि पूरी ब्लैक थी, यह तक की उसके शीशे भी ब्लैक थे, जिसमें से कार के अंदर कौन है ये दिखाई नहीं दे रहा था। वो कार सुरभि के वहां से निकलते ही सुरभि कार जहां पर खड़ी थी वहां पर रुकती है। उस कार में ड्राइवर सीट में बैठा हुआ इंसान कुछ समय तक मित्तल मेंशन को देखता है, उसके बाद वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है और सुरभि के कार का पीछे करने लगता है। सुरभि की कार शहर के सबसे बड़े और महंगे क्लब के आगे आकर रुकती है, जहां पर सारे अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए लोग आते हैं, और वो लोग भी जिनके पास बेहद ज्यादा पैसा हो। उस कार का साधा VIP कार्ड की प्राइज ही लाखों में थी, तो सिल्वर और गोल्डन और ब्लैक कार्ड की बात ही कुछ और थी। सुरभि अपनी कार क्लब के पार्किंग एरिया में पार्क करके क्लब के एंट्री गेट पर खड़े गार्ड को अपने बैग से एक VIP कार्ड निकलकर दिखाती है, जो कि एक गोल्डन VIP कार्ड था। उसे देखने के बाद वो गार्ड उसको
अंदर जाने देता है। सुरभि उस क्लब के अंदर एंटर करती है। वो क्लब लोगों से भरा हुआ था। इस क्लब काफी महंगा होने के बाद भी वहां पर बेहद सारे लोग हर दिन आते थे। सुरभि उस क्लब में एंटर करके सीधा उस क्लब में बने प्राइवेट रूम के अंदर चली जाती है। प्राइवेट रूम में एंटर करते ही उस रूम में बैठे हुए फाइव लोगों की नजर उसके ऊपर पड़ती है। वहां पर टू लड़कियां थी और टू लड़के जो कि देखने से और उनके पहनावे से ही अमीर फैमिली के लगते थे। प्राइवेट रूम का डोर ओपन होते ही सबकी नजर उस तरफ जाती है कहां से सुरभि एंटर करती है। सुरभि को देखते ही सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और उन सब के बीच सिंगल सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा लड़का तो बस सुरभि को ही एक तक देखे जा रहा था। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माय स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।